अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। कद्दू का रायता बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है कद्दू, टमाटर, छोटी प्याज, नमक, सब्ज़ धनिया, सूखा हुआ पिसा धनिया, सब्ज़ मिर्च, दही। सबसे पहले कद्दू का हम छील के धो के उबाल लेंगे। कद्दू को छील के धो लिया हमने, अब इसके हम टुकड़े काट लेंगे। इसको छील के हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे उबालने के लिए, ताकि हमारा कद्दू अच्छी तरह गल जाए पानी में। और 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। मैं इसको कुकर में उबालूंगी। इसको आप चाहे तो इसको तेज घी में भी उबाल सकते हैं। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे उबलने के लिए। अब इसको हमने चूल्हे पे रख दिया उबलने के लिए, 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारा कद्दू उबलता है उतनी देर में हम ये प्याज बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर भी काट लेंगे बारीक बारीक। सब्ज मिर्चों को भी बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया भी बारीक बारीक काट लेंगे। इनको हम ग्राइंड करके शामिल करेंगे रायते में। कुकर में सीटी आ गई। सीटी आने के 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम कुकर को खोल के देखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसकी हम गैस निकाल लेंगे। आप कुकर को खोल के हम देख लेंगे, पानी कुक हो गया, कद्दू भी हमारा गल गया। थोड़ा सा इस चम्मच से हम इसको मसल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब ये सब्ज मिर्च जो धनिया हमने बचा के रखा था, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब दही को हम इसमें शामिल कर लेंगे। मैंने 600 ग्राम दही लिया है। अब दही में 1 चम्मच हम सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया शामिल करेंगे जो पीसा था हमने। अभी उबला हुआ कद्दू शामिल कर देंगे इसमें हम। हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। टमाटर शामिल करेंगे, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया, कटी हुई प्याज, पीसा हुआ सूखा धनिया। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें अब नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले कद्दू में नमक को शामिल कर लिया था। अपनी ज़रूरत के मुताबिक
आप चख लें, अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें शामिल कर लें, अगर नहीं है तो फिर इसका ऐसे इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार यमी सा रायता बन के तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।